अच्छी फिल्म बनी है। इस फिल्म में मैंने भी एक रोल किया, रजा मुरा जी के छोटे भाई। सारी शूटिंग हम लोगों ने जोधपुर के आगे की थी और बिल्कुल नेचुरल लोकेशन पे की गई। कहानी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अभी तो ये एक ट्रेलर था, फिल्म देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल लाइफ है ये फिल्म। ये फिल्म का सब्जेक्ट, ट्रेलर और पोस्टर तीनों अच्छा है और मेरा काम तो पब्लिसिटी का, लेकिन फिल्म इन्होंने बहुत अच्छी बनाई और लोगों तक पहुंचाने का काम है। मुश्किल तो होता है बट आजकल अगर सब्जेक्ट अच्छा है, फिल्में वही चल रही हैं। आपको भी पता है जो फिल्में लास्ट ईयर आई, जिसके सब्जेक्ट अच्छे थे वही फिल्में चली। उसी तरह इसकी कहानी बहुत अच्छी है और स्टारकास्ट आजकल सेकेंडरी हो गई, कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा अली जी ने कहा, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, कुछ नयापन है। और कई लोगों को आज नहीं मालूम है कि ये बाल विवाह क्या होता है, उन बच्चियों के साथ क्या होता है जब वो विधवा अगर बचपन में हो जाए, तो उसकी एक पूरी जर्नी है। एक बात बताना चाहूँगा, हमारी बेटी है 14 साल की, तो जब स्टोरी मेरे पास आई थी मैंने उसको बताया तो बोले पापा क्या स्टोरी है, जैसा कि आजकल चल रही है फिल्में। लेकिन जब उसको बताया तो शौक थी, क्या पापा गोदी में भी लेके ऐसा होता है? मैंने कहा बेटा सबको दिखाएंगे, आज आपको नहीं पता, आपको भी दिखाएंगे, सब पूरे भारत में दिखाएंगे कि ऐसा भी होता है, जो हमारे यूथ आ रहे हैं उनको नहीं पता। होती है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इवन ये प्रधानमंत्री जी का भी हमारा स्लोगन है। और मैं भी एक औरत हूँ और जब इस तरीके से घटनाएँ होती हैं, और ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन मैं ये डायरेक्टर मेरा बताएगा कि ट्रू स्टोरी है कहाँ से उन्होंने ली है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है, जो ये मैंने मतलब इस तरीके से लड़कियों के लिए देखा कि आजकल जैसे आप देखते हो कैसे कैसे केसेस होते हैं और ये होता कि छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई होगी वाकई में। और उसके बाद जब उसके साथ ये हुआ तो उसने मेरे को स्टोरी बताई कि ये आज भी ऐसा हुआ, ये हकीकत है बात। तो मेरे मन में उसी समय आ गया था कि मैं एक हकीकत, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ है उसका नाम गंगा है। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है टू दी ऑडियंस, एवरी वन विल वॉच इट। सो ये दिल फील है कि जो आज हुआ है, जो हुआ है एक्चुअली अभी भी फेस कर किया जा रहा है। एंड ये बहुत बहुत जगह में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। सो जो मैं कैरेक्टर प्ले करूँगा गंगा जी जो है, मेरे बहुत चैलेंज है, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे ऐसा लोग। जी, इस फिल्म का राइटर भी हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ और गाने भी बतौर मैंने ही लिखे हैं सारे, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा टची है। जैसा कि ऑलरेडी कह चुके हैं, ट्रू बेस्ड स्टोरी है। तो आज भी जहाँ से ये चीज़ें हैं वो आज भी होती हैं, और जो गंगा कैरेक्टर है इस फिल्म में, उसका जो कहानी है, जो रियल कहानी है, उसी का नाम भी गंगा ही है। बट सॉरी, कुछ कारणों से मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं। सो ठीक है, अभी क्योंकि आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं और जब आप सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आते हैं, और वो चैलेंजेस थे मेरे लिए, आज भी हैं। बट आई होप सो कि जब फिल्म आएगी तो एक बेहतरीन एक मैसेज आप लोगों के सामने होगा, जनता के सामने होगा, ऑडियंस के सामने होगा, और एक ऐसी मूवी जो अब बहुत लंबे टाइम से नहीं आई है, ये उस टाइप की मूवी, एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आजकल सब कुछ हो रहा है। भाई साहब ने हमें मौका दिया और हमने इससे जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट पे विषय पे काम किया, और यह फिल्म में बच्ची ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी आप लोग कैसा प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में, अच्छा कैसा बोलते हैं,